अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी हटके है, थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने भाई की शादी पे जो फैंसी ड्रेसेस बनवाए थे वो भी शेयर नहीं किए, कहाँ से बनवाए। तो मैंने एक ये ड्रेस बनवाया था अपनी भाभी के लिए, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, लहंगा चोली है, ठीक है। और आपको पता है कि हम लड़कियाँ एक ड्रेस एक फंक्शन पर पहन लें तो हम लोग दोबारा से रिपीट नहीं करते, इस वजह से ये जो ड्रेस है ये मैं सेल कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा ड्रेस है और मेरा सच में दिल नहीं कर रहा ये सेल करने का, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये मैं एक बार पहन चुकी हूँ और अब मुझे एक दोबारा शादी के लिए नया सूट बनवाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सेल करके जो है मैं एक नया सूट बनवा लूँ। मैं इसकी जो मेजरमेंट्स है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चोली की जो लेंथ है वो है 15, ठीक है। स्लीव्स की लेंथ भी 14 to 15 ही है, ठीक है। और जो यहाँ से मैं आपके साथ इसकी कमर का साइज़, चेस्ट का साइज़ सारा कुछ शेयर करूँगी। बहुत प्यारा सूट है और मज़े की बात यह कि इसका जो काम है ना वो बहुत प्यारा था। ये मैंने बनवाया था लाहौर से, ठीक है। और इसका जो काम है ना, ऐसा काम मैंने नहीं देखा। और ये वाला ड्रेस इतना वायरल हुआ था, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये ड्रेस आपने कहाँ से बनवाया, कितने का बनवाया। तो जो भी इंटरेस्टेड है लेने में वो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जो वाकई इंटरेस्टेड है वो लोग कांटेक्ट करें। अच्छा, इसकी चोली पे पूरा काम था और फ्रंट बैक से सेम था, ठीक है। मैंने जो हमारा जो जिनसे काम करवाया था, मैंने उन्हें कहा था कि ऐसा नहीं कि फ्रंट से काम हो और बैक से चोली सादी हो, जैसा फ्रंट पे काम है एग्जैक्ट वैसा ही बैक पे है, स्लीव्स पे भी। अब ये देखें, ये है लहंगा, पूरे लहंगे पर इस तरह का ये काम वाली लाइन्स थी, कलियाँ डली हुई थी, ठीक है। और नीचे इसके बॉर्डर पर बहुत ही प्यारा काम था, ठीक है। मैं आपको बॉर्डर का काम चेक कराती हूँ। ये देखें, बहुत प्यारा और बहुत नफीस काम था। और जैसा फ्रंट है वैसा ही एग्जैक्ट बैक है, यानी जैसा फ्रंट का बॉर्डर है वैसा ही बैक का बॉर्डर है। जिनसे मैंने काम करवाया था उनसे मेरी इतनी बहस हुई, वो कहते थे आप बैक का बॉर्डर हल्का ले लें, फ्रंट पे ज़्यादा काम करवा लें। मैंने कहा नहीं भाई, जैसा मैं फ्रंट पर चाहती हूँ मुझे एग्जैक्ट वैसा ही बैक पर चाहिए। और इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा है, मैं आपको बताती हूँ, इस लहंगे का फ्लेयर 120 फ्रंट से है और 120 बैक से है, मतलब टोटल 240 इसका फ्लेयर है। वो जो पकड़ के बैठ गए थे जिनसे मैं ये बनवाने गई थी, उन्होंने कहा कि इतना तो ब्राइडल का भी नहीं होता जितना फ्लेयर आप कह रही हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने ज़्यादा ही फ्लेयर बनवाने हैं। और मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया ना जिसमें पहन के घूम रहे हैं, वो वाली वीडियो, उसमें आप चेक कर सकते हैं इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा है। मैं हैंग करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप फ्लेयर का अंदाज़ा लगा लें। बाकी करीब से आप इसका काम चेक करें, ऐसा काम है कि ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, ख़राब होने वाला है ही नहीं, क्योंकि जहाँ से मैंने ये बनवाया था ना वहाँ से हम लोग शुरू से बनवा रहे हैं और उनके काम अभी तक बहुत ही प्यारे हैं। कुछ फैंसी ड्रेसेस होते हैं जिनके काम ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैंने उनसे बहुत पहले भी जो ड्रेसेस बनाए थे ना उनके भी अभी तक काम बिल्कुल वैसे हैं, ना काले हुए, ना कोई मोती झड़ा, कुछ भी नहीं। बाकी अब ये आप लहंगे का ओवरऑल लुक देखें, बहुत हेवी लहंगा है, बहुत प्यारा है और पहने हुए बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी कोई इंगेजमेंट वगैरह है या अगर आपकी बहन या भाई की किसी की शादी है फिर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका बॉर्डर है और ये मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहने हैं, ठीक है। ये मैंने टोटल बनवाया था 1,20,000 रुपीज़ का, ठीक है। बाकी अब आप लोग इसका फ्लेयर चेक करें कि इसका कितना ज़्यादा फ्लेयर है। और आप लोगों को पता है कि लहंगे का जितना ज़्यादा फ्लेयर हो ना वो उतना ही प्यारा लगता है, और इसका काम टू बी ऑनेस्ट वाकई ही बहुत प्यारा है, ठीक है। बाकी ये आप देख लें, बाकी अगर आप में से जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वो मज़ीद मेजरमेंट्स जानने में इंटरेस्टेड है कि लेंथ कितनी है लहंगे की या इसकी वेस्ट कितनी है, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग देखें, जैसे फ्रंट पे काम है एग्जैक्ट वैसा ही बैक पे है। इवन तो जो ब्राइडल लहंगे होते हैं ना उन पे भी फ्रंट पे काम ज़्यादा हैवी होता है, बैक पे वो सादा करते हैं, लेकिन मैंने बहुत लड़ लड़ के जैसा फ्रंट पे काम था बिल्कुल वैसा ही बैक पे भी करवाया है, ठीक है। ये आप इसका ओवरऑल लुक देख लें, ठीक है। इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा भी बनवाया था जिस पर सारा छट्टा था, ठीक है, वो भी इसके साथ ही मैं दूंगी। जो लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं वो लोग कांटेक्ट करें, 1 लाख मेरी डिमांडिंग प्राइस है, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी लेकिन यह है कि ज़्यादा इसमें कमी पेशी नहीं होगी, क्योंकि मैंने खुद बहुत महंगा लिया था और इसका काम भी उतना ही अच्छा है। बाकी व्हाट्सएप नंबर मैं ऊपर स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कि आजकल ब्राइडल और फॉर्मल लहंगे कितने महंगे हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्री लव्ड मिलता है तो यकीन माने वो रीज़नेबल ही है। जब मैंने लेने थे मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि मुझे अच्छा मिल जाए, लेकिन इस प्राइस में अच्छा प्री लव सूट नहीं मिलता। बल्कि ये प्री लव नहीं, ये बिल्कुल न्यू ही है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा इसको पहना था। मज़ीद अपनी कुछ पिक्चर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, कुछ वीडियो शेयर कर दूँगी। अब आप लोग इसका फ्लेयर चेक करें कि कितना ज़्यादा और कितना प्यारा फ्लेयर है इसका।
बाकी मैं अगेन कह रही हूँ, जो लोग जेन्युइन हैं और जेन्युइनली लेना चाह रहे हैं इस तरह का आउटफिट, आप लोग फिर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर्स हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।